जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल हम लोगों ने जो है वो चिक डेवलपमेंट का टॉपिक जो है वो उसको स्टार्ट किया था, और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्लीवेज क्या होती है और ब्लास्टुला क्या होता है, ब्लास्टुलेशन क्या होती है। तो उसी को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि जब एम्ब्रियो के अंदर कोई कैविटी जो है वो अपीयर होती है, तो उस कैविटी को हम लोग गैस्ट्रोसील कहते हैं, सॉरी ब्लास्टोसील कहते हैं। तो ये जो ब्लास्टोसील कैविटी होती है, ये इसके अंदर अपीयर होती है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो सेल की जो लेयर ऊपर बनी हुई होती है, ये दरमियान से स्प्लिट हो जाती है, और स्प्लिट होने के बाद जो है वो एक और दरमियान में कैविटी जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लेयर होती है सेल की, ये दो लेयर्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाती है। तो ये दो जो लेयर्स होती हैं ये बन जाती हैं उसी की। तो उसमें से एक जो लेयर होती है उसको हम लोग एपिब्लास्ट कहते हैं, और जो दूसरी जो लेयर होती है उसको हाइपोब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, जो ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे हम लोग एपिब्लास्ट कहते हैं, जो नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम लोग हाइपोब्लास्ट कहते हैं। अब इसी तरह से जो पूरा जो सेल होता है उसमें ये वाली सरफेस, क्योंकि ये ऊपर की तरफ उभर जाती है, तो ये सरफेस जो होती है उसको एरिया पेलोसिडा कहा जाता है, और बाकी जो साइड वाले जो सेल्स होते हैं उनको मार्जिनल जोन कहते हैं, और रिमेनिंग जो पार्ट होता है उसका सेल का, ठीक है, जिसको एग वाइट में भी आप कंसीडर करते हो, वो एरिया ओपेका कहलाता है। ठीक है, तो ये दो तरह के जो एरियाज होते हैं वो इसमें अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात जो होगी वो यहाँ से आगे लेके चलेंगे, एपिब्लास्ट से और हाइपोब्लास्ट से। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो हमारे पास जो नेक्स्ट जो स्टेज आती है उसको हम लोग जो है वो गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, कि गैस्ट्रुलेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से बनता है। गैस्ट्रुलेशन का जो प्रोसेस है, इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि बेसिकली जो जर्म लेयर्स बनती हैं, यानी जर्म लेयर्स के बनने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग गैस्ट्रुलेशन के अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब जर्म लेयर जो होती हैं वो कैसे बनती हैं वो हम लोग इस टॉपिक के अंदर जो है वो उनको डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। अच्छा, जैसे मैंने आपको पिछली स्टेज में बताया कि वो जो सेल्स की जो लेयर होती है वो दरमियान से स्प्लिट हो जाती है, और स्प्लिट होने के बाद जो है वो दो लेयर के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाती है। जो ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम लोग एपिब्लास्ट कहते हैं, और नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम लोग जो है वो हाइपोब्लास्ट कहते हैं। अब क्या होता है कि ये जो ऊपर वाली जो लेयर होती है एपिब्लास्ट, ये इसके जो सेल्स होते हैं वो दरमियान से इन्वेजिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये इन्वेजिनेट होने के बाद जो है वो एक लेयर इसके दरमियान में क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यानी ये जो सेल्स होते हैं ऊपर वाले, इनकी दरमियान में इन्वेजिनेशन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और ये पूरी जो सेल्स की जो लेयर होती है वो इनसाइड जो है वो इन्वेजिनेट होती है, इसके जो सेल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, और इसकी माइग्रेशन की वजह से क्या होता है कि जो सेल्स की एक नई लेयर जो होती है वो नीचे बन जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर कितनी लेयर बन जाएंगी, तीन लेयर बन जाएंगी। पहले कितनी लेयर थी, दो लेयर थी, एक एपिब्लास्ट और एक हाइपोब्लास्ट, और एपिब्लास्ट के जो सेल्स होंगे वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होंगे, और इन्वेजिनेट होने के बाद जो है वो अरेंज हो जाएंगे, और अरेंज होने के बाद जो है वो एक और लेयर जो है वो यहाँ पे बना लेंगे, और वो इस तरह से तीन जो लेयर होंगी वो यहाँ पे बन जाएंगी। ठीक हो गया जी। तो अब इस तरह से अब हम लोग इनके नाम जो है वो चेंज कर देते हैं। जो एपिब्लास्ट है उसको हम लोग एक्टोडर्म कहेंगे, और जो हाइपोब्लास्ट होगी उसको हम लोग एंडोडर्म कहेंगे, और जो दरमियान वाली जो लेयर होती है उसको हम लोग जो है वो मीजोडर्म कहते हैं। ठीक है, इसी वजह से यह कहा जाता है
के जो एपिब्लास्ट होती है वो फ्यूचर एक्टोडर्म होती है, और हाइपोब्लास्ट जो होती है वो फ्यूचर एंडोडर्म होती है। ठीक है, यानी जो हाइपोब्लास्ट होती है वो क्या होती है, वो फ्यूचर एंडोडर्म जो है वो कहलाती है। तो इस तरह से ये थ्री लेयर जो होती हैं वो एम्ब्रियो के अंदर अपीयर हो जाती हैं। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म, एक को कहते हैं मेसोडर्म, और एक होती है एंडोडर्म। इन तीनों लेयर का बनना, इन तीनों लेयर को जर्म लेयर कहा जाता है। इन तीनों लेयर्स का बनना जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, और ये तीनों लेयर्स हमारे बॉडी की डेवलपमेंट के अंदर जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। अब इसमें जो जर्म लेयर्स बनती हैं वो क्या क्या बनाती हैं, जो एक्टोडर्म होती है वो हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है उसको बनाने में रोल प्ले करती है। ठीक है, ये लोग नोट कर लें, आपको पता होना चाहिए कि हमारा बॉडी के कौन से पार्ट जो होते हैं वो कौन सी लेयर से बनते हैं। जो एक्टोडर्म होती है गैस्ट्रुलेशन स्टेज के अंदर, जो एक्टोडर्म लेयर जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई है, तो ये जो एक्टोडर्म लेयर होगी ये क्या बनाएगी, नर्वस सिस्टम बनाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से एपिडर्मिस बनाती है, यानी जो हमारी स्किन होती है, और उसके बाद जो मेसोडर्म होती है वो मसल सेल और कनेक्टिव टिश्यू जो बॉडी के होते हैं मुख्तलिफ, वो मेसोडर्म जो है वो बनाती है। और इसी तरीके से जो एंडोडर्म होती है, ठीक है, ये आपको इस डायग्राम के अंदर नज़र आ रही है, तो ये ऊपर वाली जो ब्लू कलर की जो लेयर नज़र आ रही है इसको हम लोग एक्टोडर्म कहेंगे, दरमियान वाली जो लेयर आपको नज़र आ रही है उसे मेसोडर्म कहते हैं, और जो सबसे नीचे जो लेयर आपको नज़र आ रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म कहेंगे, सॉरी एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म जो है वो मैंने आपको क्या बताया, हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम बनाती है। मेसोडर्म जो होती है वो मसल सेल और कनेक्टिव टिश्यू वगैरह बनाने के अंदर हेल्प करती है, और एंडोडर्म जो होती है वो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन और जो गट जो होती है, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो एंडोडर्म से बनता है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जब ये सेल जो होते हैं वो दरमियान से जब इन्वेजिनेट होंगे तो यहाँ पे एक जरी सी जो है वो अपीयर होगी। ठीक है, ये लाइन आपको नज़र आ रही है, तो ये क्योंकि जहाँ से सेल इस साइड से भी और इस साइड से भी अंदर की तरफ जो है वो इन्वेजिनेट हो रहे होते हैं, तो इनकी इन्वेजिनेशन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एक स्ट्रीक सी अपीयर होती है, और इस स्ट्रीक को हम लोग प्रीमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रीक जो होती है यानी जो लाइन जहाँ पे अपीयर हो रही होती है उसको हम लोग जो है वो प्रीमिटिव स्ट्रीक का नाम जो है वो दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे जहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। उसके बाद जो है वो गैस्ट्रुलेशन से आगे जो है वो हम चलते हैं, तो ये वो सरफेस है जो ऊपर वाली जो सरफेस है जो उसने शो की हुई है सेल की। ठीक है, और ये उसके ऊपर जो लाइन आपको मैंने बताई थी कि ये वो प्रिमिटिव स्ट्रीक है जो लाइन हम लोगों को जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है, अब ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक लाइन जो हम लोगों को यहाँ पर नज़र आती है इसके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, यानी इसकी थोड़ा सा नीचे करके जो है वो एक थिकनिंग रीजन होता है, उस रीजन को हम लोग जो है वो हैंसन नोड कहते हैं। ठीक है, और इसके जो इसके जो मार्जिन होते हैं इस साइड वाले और इस साइड वाले दोनों साइडों वाले, इनको हम लोग प्रिमिटिव रिडजीज का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक ग्रूव सा अपीयर हो जाता है। ग्रूव का मतलब होता है एक गहरी सतह जो होती है वो अपीयर हो रही होती है। एक तो ये पहले लाइन अपीयर होती है, वो लाइन और ज़्यादा गहरी हो जाती है, और गहरी होने के बाद जो है वो एक डीप सतह जो है वो नज़र आती है, उसको ग्रूव का नाम देते हैं। तो अब क्योंकि वो प्रिमिटिव स्ट्रीक गहरी होकर ये चीज़ बनाती है, तो इस वजह से हम लोग जो है वो इसको प्रिमिटिव ग्रूव का नाम दिया जाता है। तो ये दो तीन टर्मिनोलॉजी जो है वो मैंने यहाँ पे आपको बताई है, क्योंकि इस टॉपिक में ज़्यादातर आपको टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टर्म जो है वो यूज की गई है। तो हैंसन नोट का जो है वो मैंने आपको बताया है,
और इसी तरीके से इसमें प्रिमिटिव ग्रुप का बताया है, प्रिमिटिव रिडजीज का बताया है, और उसके बाद जो है वो मैंने आपको इसमें बताया है कि प्रिमिटिव स्ट्रीक का और हैंसन नोड का मैंने बताया, ठीक है, कि जो ये पूरी जो लाइन होती है यानी ये जो पूरा जो ग्रूव होता है इसका जो टॉप का जो पोर्शन है, इसका जो हेड का पोर्शन होता है उससे थोड़ा सा नीचे करके जो है वो एक थिकनिंग रीजन होता है, उस रीजन को हैंसन नोड कहा जाता है। उसके बाद है जी नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन। अच्छा, कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हमारे बॉडी के मेन पार्ट बनने से पहले बनते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम से पहले जो है वो एक्टोडर्म प्रेजेंट होती है, बाकी कनेक्टिव टिश्यू बनने से पहले मेसोडर्म प्रेजेंट होती है। अब एक्टोडर्म जो थी वो पहले एपिब्लास्ट थी, उसके बाद इसी तरीके से जो एंडोडर्म थी वो पहले हाइपोब्लास्ट थी, तो हाइपोब्लास्ट को बाद में हम लोगों ने एंडोडर्म कहा, ठीक है, लेकिन वो कुछ चेंजेस उसमें आई, उसके बाद जो है वो एंडोडर्म बन गई। तो इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं प्रीजम्पटिव का, बुक में भी ये टर्म यूज हुई होगी, प्रीजम्पटिव। प्रीजम्पटिव का मतलब है पहले से मौजूद स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे हाइपोब्लास्ट जो है उसको प्रीजम्पटिव एंडोडर्म कह सकते हैं, और जो एपिब्लास्ट होती है उसको प्रीजम्पटिव एक्टोडर्म कह सकते हैं, ठीक है। यानी प्रीजम्पटिव का मतलब होता है फ्यूचर में बनने वाली, या इसको पहले से मौजूद स्ट्रक्चर को भी कहा जा सकता है, ठीक है। यानी वो प्रीजम्पटिव स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर कुछ, इसी तरीके से जो नोटोकॉर्ड होता है ये प्रीजम्पटिव वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। यानी हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो नोटोकॉर्ड से डेवलप करता है, हमारा जो नोटोकॉर्ड होता है वो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो डेवलप करता है। तो इस तरीके से इसको जो है वो हम लोग जो है वो प्रीजम्पटिव नोटोकॉर्ड, सॉरी प्रीजम्पटिव वर्टिब्रल कॉलम भी इसको कह सकते हैं। अब नोटोकॉर्ड जो है ये सिर्फ कॉर्डेट्स के अंदर बनता है, यानी वो एनिमल जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम बनता है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स एनिमल जो होते हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन जो है वो होती है। उसके बाद इसमें कुछ जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर जो होते हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये जो नोटोकॉर्ड है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि वो वर्टिब्रल कॉलम बनाती है ये, ठीक है। अब वो कहता है कि जो सेल्स जो होते हैं वो एक्टोडर्म से माइग्रेट करते रहते हैं, ठीक है, और माइग्रेट करने के बाद जो है वो क्या करते हैं, यानी वो अंदर की तरफ जो है वो माइग्रेट करते रहते हैं, और माइग्रेट करने के बाद जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग जो है वो नोटोकॉर्ड बोलते हैं। यानी ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो एक्टोडर्म की इनसाइड इन्वेजिनेशन से बनता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है अब जो ब्लास्टोसील जो लेयर होगी उसको गैस्ट्रोसील कहेंगे, यानी वही जो लेयर पहले ब्लास्टोसील थी अब उसको हम लोग जो है वो गैस्ट्रोसील का नाम जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो ये 18 घंटे की टाइम गुजरने के बाद जो है वो ये सरफेस जो होती है वो उसमें अपीयर हो जाती है, ठीक है। तो ये नोटोकॉर्ड का जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। बस इसको जनरली आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना, जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि इसको इतना ज़्यादा आप लोगों ने सीरियस नहीं लेना, बस ये जनरल से कॉन्सेप्ट हैं वो, क्योंकि डेवलपमेंट जो है ये पूरा एक सब्जेक्ट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसको हम एक छोटे से टॉपिक के अंदर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बहुत सी इसमें चीज़ें आती हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट हैं, बहुत से मामलात हैं। तो बहरहाल जनरल सी कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो आपने इसमें अंडरस्टैंड कर लेने हैं साथ साथ। उसके बाद जो मेसोडर्म है इससे वो आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि सेल माइग्रेटिंग फ्रॉम हैंसन नोड मेक डॉर्सल मेसोडर्म, अब वो एक डॉर्सल मेसोडर्म जो है वो बनती है, ठीक है। पहले एक मेसोडर्म बनी थी, ठीक है, अब जो डॉर्सल जो मेसोडर्म होती है वो बाद में, यानी उसके दरमियान जो है वो एक और लेयर बनती है, उसको हम लोग जो है वो
अच्छा तो वहां पे कुछ सेल जो है वो अपीयर होते हैं और उन सेल को हम लोग जो है वो सोमाइट्स का नाम देते हैं। ठीक है, ये जो सोमाइट्स होते हैं ये उसके अंदर जो है वो अपीयर होते हैं उसकी सरफेस पे। ठीक है, तो विजिबल होते हैं ये 25 से 26 आवर स्टेज के अंदर, और लेटरल जो है वो न्यूरल ट्यूब जो है वो बना देते हैं। ठीक है, न्यूरल ट्यूब के ऊपर हम बाद में बात करते हैं। अब इसमें जो सोमाइट सेल जो होते हैं, यानी ये देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो हैंसन नोड था, और हैंसन नोड जो है वो दरमियान में जो है वो कौन सी लेयर बनाता है, डॉर्सल मीजोडर्म बनाता है, और डॉर्सल मीजोडर्म के जो सेल होते हैं उनको सोमाइट का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो मीजोडर्म होती है ये बाद में जाके दो लेयर्स बनाती है, एक को हम कहते हैं स्प्लैंकिक मीजोडर्म और एक को हम जो है वो क्या कहते हैं सोमैटिक मीजोडर्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसमें से दो लेयर जो होती हैं वो बनती हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूरुलेशन पे। न्यूरुलेशन जो है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो आपने अच्छे तरीके से समझना है। न्यूरुलेशन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सम टाइम जो है वो आ जाता होता है। अच्छा जी, आप लोग ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्टोडर्म की जो लेयर है जो आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये वही एक्टोडर्म की जो लेयर है जिसने फोल्ड होकर जो है वो नोटोकॉर्ड बनाया था, यही लेयर जो होती है ये फोल्ड होकर जो है वो न्यूरल ट्यूब बनाती है। ठीक है, यानी ये बिल्कुल उसके ऊपर दोबारा फिर जो है वो इसमें फोल्डिंग होती है, और फोल्डिंग के बाद जो है वो एक न्यूरल ट्यूब बनाती है। अब न्यूरल ट्यूब जो है ये प्रिज्मेटिव नर्वस सिस्टम कहलाएगी। ठीक है, यानी जिस तरह मैंने आपको नोटोकॉर्ड को प्रिज्मेटिव वर्टिब्रल कॉलम कहा था, इसी तरीके से जो न्यूरल ट्यूब होती है ये प्रिज्मेटिव नर्वस सिस्टम कहलाती है। अब ये जो प्रिज्मेटिव न्यूरल एक्टोडर्म है ये अंदर की तरफ जो है वो इनवेजिनेट होगी, इनवेजिनेट होकर जो है ये एक ट्यूब बना देती है, और ऊपर से जो है ये आपस में मिल जाती है। ठीक है, और मिलने के बाद जो है वो एक ट्यूब अपीयर हो जाएगी। अब ये जो ट्यूब यहाँ पे बनी है इस ट्यूब को हम लोग जो है वो न्यूरल ट्यूब का जो है वो नाम देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल नोटोकॉर्ड से ऊपर जो है वो प्रेजेंट होती है, और इन द फॉर्म ऑफ बैंड जो है वो ये बनती है, और ये फ्लैट जो है वो अपीयर होती है, और तकरीबन जो है वो इन साइड पर फोल्ड हो जाती है। ठीक है, इसमें ये फोल्डिंग जो है वो आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये फोल्डिंग जो है वो इसमें हो रही है। ठीक है, तो ये फोल्डिंग हो जाती है इसके अंदर न्यूरल एक्टोडर्म के अंदर, तो इसकी फोल्डिंग के बाद जो है ये आपस में मिल जाएगी। इसका जो ग्रीन पार्ट इसलिए शो किया गया है कि इतने फोल्ड होना है। अब ये फोल्ड होने के बाद ये वाली जो लेयर होगी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, और नीचे जो है ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब जो है वो शो हो गई है। ठीक है, तो ये जो ग्रूव बनता है इसके ऊपर इसको न्यूरल ग्रूव कहा जाएगा, और यही न्यूरल ग्रूव जो होगा वो बाद में सरफेस उसकी जो होगी वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब इस स्टेज में हम लोग जो है वो एम्ब्रियो को न्यूरोला कहते हैं, क्योंकि अब इसमें न्यूरल ट्यूब बन गई है, तो न्यूरल ट्यूब बनने की वजह से हम लोग इसको जो है वो न्यूरल ट्यूब का नाम, सॉरी न्यूरोला का नाम देंगे। ठीक है, तो न्यूरल प्लेट जो होगी वो मिड रीजन के अंदर जो है वो इतना जो इसका जो रीजन होता है एक्टोडर्म का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरल प्लेट, और यहाँ से जो फोल्ड इसके अंदर अपीयर हो रहे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरल फोल्ड। ठीक है, और न्यूरल प्लेट जो होती है वो सिंक होगी अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जो होगी वो इन्वेजिनेट करेगी, और वो जो न्यूरल जो ग्रूव होगा जो बना हुआ है यानी इसकी जो गहरी सतह होगी वो आपस में मिल जाएगी इस तरह से, और वो एक ट्यूब के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसके अंदर जो स्पेस आपको नजर आ रही है इसको हम लोग जो है वो न्यूरो सील का नाम देते हैं। ठीक है, और ये जो न्यूरो सील होती है ये दोनों साइडों की तरफ से ओपन होती है। ठीक है, और बाद में जो है वो क्लोज हो जाती है। ठीक
अब इसका जो एंटीरियर एंड होता है, यानी इसका जो सामने वाला जो पोर्शन होता है वो हमारे ब्रेन बनाता है, और इसके जो पीछे वाले जो पार्ट होते हैं, रिमेनिंग जो इसके पार्ट्स होते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड और रिमेनिंग जो नर्वस सिस्टम होता है वो इससे जो है वो बनता है। ठीक है, रिमेनिंग जो नर्वस सिस्टम होगा वो इससे बनेगा। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर जहाँ पे दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखें, देख रहे हैं आप लोग कि जो एक्टोडर्म है वो कहाँ कहाँ से इन्वेजिनेट हुई होती है। ठीक है, ये नीचे जो है वो आपको नोटोकॉर्ड नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो न्यूरल ट्यूब होती है उससे नीचे जो है वो नोटोकॉर्ड होता है, और ऊपर जो है ये आपको न्यूरल ट्यूब नजर आ रही है, और ये जो आपको पार्ट इसके नजर आ रहे हैं उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, सोमाइट्स का। ठीक हो गया, और उसके बाद ये जो येलो कलर की जो लेयर है उसको इसी तरह हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोडर्म कहते हैं, और इसके अंदर जो पहले जो कैविटी थी जिसको हम लोग गैस्ट्रोसील का नाम दे रहे थे, सॉरी ब्लास्टोसील का नाम दिया था, उसको अब यहाँ पे हम लोग क्या नाम देंगे, गैस्ट्रोसील का, या इसको सीलोम का नाम जो है वो हम लोग देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये जो सोमाइट्स होते हैं इसमें एक साइड को स्प्लैंकेट और एक साइड को आप लोग जो है वो नाम देते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हम लोगों ने एक्सप्लेन किए हैं, तो इनको जर्नली जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या बात की है कि गैस्ट्रुलेशन जो है वो क्या होती है, इसमें रीअरेंजमेंट होती है सेल्स की और मूवमेंट होती है सेल्स की, और प्रिजम्पटिव जो लेयर्स होती हैं वो इसके अंदर बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म जो है वो इसमें बनती हैं। उसके बाद मैंने आपको इसमें प्रिजम्पटिव स्ट्रीक और हैंसन नोड के बारे में बताया कि प्रिजम्पटिव स्ट्रीक कैसे बनती है और हैंसन नोड जो होता है वो इसमें कैसे अपीयर होता है, और फिर हम लोगों ने इसमें नोटोकॉर्ड की बात की कि नोटोकॉर्ड जो है वो कैसे बनता है। तो नोटोकॉर्ड की जो फॉर्मेशन है वो मीजोडर्मल सेल से होगी, और न्यूरुलेशन जो होती है वो एक्टोडर्म से होती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसमें से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। तो ये इसमें से सवाल आप लोग पूछें।